हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। सो आज मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं वीडियो बना रही, और मैंने इवनिंग टू मॉर्निंग व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। सो इवनिंग टाइम मैंने सब्ज़ी बनाई, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया, आप देख लीजिए। पहले मैंने जीरा डाला, और फिर प्याज अदरक ये सब को तड़का लगाया, और हम बनाने जा रहे हैं गोभी की सब्ज़ी। सो प्याज और अदरक लहसुन सभी को मैं कढ़ाई में डाल दिया, और थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। जब तक ब्राउन होता है तब तक हम नमक मिर्च डाले देंगे। और ये है गोभी, आलू जिसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, नमक मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ रहती हैं मैं सब्ज़ी में। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, जितनी आपको चाहिए नमक और मिर्च उतनी डाल लीजिए। सो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, सो हम नमक मिर्च हल्दी तीनों को मिला देंगे, और इसको थोड़ा सा हिला देंगे। और हिलाने के बाद हम इसमें गोभी और आलू कटे हुए दोनों एक साथ ही डाल देंगे, और इनको हिला देंगे, और थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे, आप देख लीजिए। अच्छी तरह हिला देंगे, मिला देंगे इनको, और थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी, फिर बाद में इसको हम ढक देंगे ढक्कन के साथ। ये है एक ग्लास वाटर, सो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और इसको हिलाने के बाद इसको ढककर रख दूंगी। और आप देख ले मेरे बाहर का नज़ारा। सो नाइट हो चुकी है, और आप देख लीजिए सो नाइट में मेरा बाहर का सीन कैसा है। सो ये किचन दिखाई दे रहा है, और ये भी मैंने बाहर भी बनाया है थोड़ा सा, कि यदि हमने बाहर काम करना हो किचन का तो जहाँ कर सकते हैं। और अभी ये थोड़ा सा बाकी है, और ये इसके ऊपर प्लांट पड़े हुए हैं, कॉलियस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और अमरूद और ग्रेप्स की वाइन। और ये देख लीजिए नाइट हो चुकी है, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और बोटल्स में भी मेरे मॉस रोज फॉर्चून का प्लांट लगे हुए हैं। और ये देख लीजिए टाइलें लगवा ली है, और अभी ये देख लीजिए लाइट चल रही है, और बाहर की तरफ जब हम जाते हैं मेन गेट की तरफ उधर है, और यहाँ भी लाइट है, सो हम लाइट चला लेंगे। और उसके बाद आप देख लीजिए जहाँ ऐसे ये सेट हमने मिस्त्री लोगों से बनवाया है, और ये टाइल्स लगवाई है, जहाँ गाड़ी और बाइक वगैरह खड़ जाता है इसके नीचे, सेट के नीचे। पहले सेट था वो बहुत ही बेकार हो गया था बहुत ही, और अब हम वापस चलते हैं और लाइट कर देते हैं ऑफ, बिकॉज फ्रेंड्स लाइट फालतू लाइट नहीं चला कर रखती। सो ये लाइट भी मैं कभी कभार ही चलाती हूँ, आज मैंने आप लोगों को घर बाहर से दिखाने के लिए चला ली है, वरना मैं लाइट का यूज़ बहुत कम करती हूँ, फालतू लाइट नहीं चलाती। और ये देख लीजिए किचन, विंडो से मेरा किचन दिखाई देता है, और इससे हवा अच्छी आती है, और इसलिए विंडो ओपन की हुई है। और ये देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग टाइम हो चुका है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मॉर्निंग टाइम मैं ऊपर आई थी, सोचा कि अपने प्लांट आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए एक वेस्ट मटेरियल है सभी, वो मैंने एक तरफ लगा दिया है, और दूसरी तरफ बड़े क्रेड वगैरह लगा दिए हैं, बड़े
जो भी है, बड़ी बाल्टी है, जो भी डिब्बे है बड़े इधर लगा दिए है, और एक 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 ईंट नीचे रख दी है, ताकि जो फर्श जब भी हमने दोनों पर फर्श धो लेंगे। और ये देख लीजिए फ्लावर कितने अच्छे हो गए हैं, फ्लावर्स सो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको मैंने इसमें रिपोर्ट करना है। और ये रोज प्लांट है, एलोवेरा में लगा हुआ है, मॉस्को ये सभी प्लांट देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे हैं प्लांट्स, बहुत बढ़िया ढंग से हमने रख दिए अपनी तरफ से। और ये गमले फ्रेंड, जो फ्लावर्स वाले गमले हैं वो मैं नीचे ही रखूँगी, ऊपर सब पर सिर्फ वेजिटेबल्स ही रखूँगी। ये प्रतीक यहाँ उसको डस्ट की वजह से सी कर रही है, और वो ये काम कर रहा है जेसीबी और ट्रक में, और ये उतार रहा है सीमेंट ईंट के ऊपर से, सो वो भी अपना काम कर रहा है। और ये देखिए ये कुछ प्लांट इधर रखे हुए हैं गमलों में, मोर पंखड़ी, रोज़ का प्लांट और समी का प्लांट, इनकी हालत सीमेंट के जरिए बहुत ख़राब सी हो चुकी है, सीमेंट सा लग गया है इसके ऊपर, इसलिए ये ऐसे दिखते हैं। और ये है मेरे सर के ऊपर का नज़ारा, माई टेरस गार्डन। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे। ये सीढ़ियों के ऊपर रखे हुए प्लांट्स है लॉबी में, और ये मनी प्लांट है, ये पाम है, और ये भी मनी प्लांट है इसमें, और ये फ्रिज के ऊपर कॉलियस रखा हुआ है। आप बताना कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना, और मुझे बताना कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर योर प्लांट्स।